शिक्षा में प्रयागराज पढ़ाई के लिए गया, लेकिन खर्च निकालने के लिए उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। फिर एक दिन कुछ अनजान लोग उसकी कार में मौत के मुसाफिर बनकर बैठे, लेकिन इसके बाद की कहानी का कोई अता पता नहीं चला। कुछ मिला तो एक लाश। देखिए ये रिपोर्ट। दिल में आईएएस बनने की हसरत, मन में दुनिया बदलने की ख्वाहिश, आंखों में बेहिसाब सपने, हौसले पहाड़ का भी सीना चीर कर पत्थर पत्थर कर देने के। लेकिन वक्त का खेल देखिए, पढ़ाई के साथ उसने जिस काम को अपना प्रोफेशन बनाया, एक दिन कातिल ठीक उसी रास्ते में मुसाफिर बनकर खड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले की सूचना उसके परिजनों को दे दी है। परिजन पहुंच गए हैं। नौजवान बेटे के जिसका सपना आईएएस बनने का था, उसकी मौत की खबर पर माँ और पूरा परिवार जहां बदहवास है। परिवारों में एक तरह से रोना पीटना और चीख पुकार मची हुई है। प्रयागराज में आईएएस की तैयारी करने वाले दुर्गेश कुमार मिश्र की लाश शनिवार को आजमगढ़ जिले की सीमा में बरामदपुर पुलिया के पास बरामद हुई। दुर्गेश कुमार मिश्र देवरिया के रहने वाले थे। आईएएस की तैयारी के लिए पैसों की कमी ना पड़े, इसीलिए दुर्गेश पार्ट टाइम में कार चलाया करता था। लेकिन किसे पता था कि इसी कार में बैठकर एक दिन उसके कातिल उसी के साथ सफर करेंगे। डेढ़ वर्ष पूर्व उसके मामा ने उसे अपनी कार टिगोर दी थी ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च उठा सके। दुर्गेश के पिता देवरिया में खेती करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की हत्या हो गई है तो परिवार में मातम फैल गया। मृतक दुर्गेश के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद एक सवाल पूरे जनपद में तैर रहा है कि आखिर कौन और किन परिस्थितियों में दुर्गेश की हत्या की। फिलहाल आजमगढ़ के अहिरोला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला कि दुर्गेश अपनी कार लेकर 14 अक्टूबर की रात फूलपुर और मछली शहर के बीच में कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास 2:36 पर पहुंचा था। इसका रिकॉर्ड टोल टैक्स से पता चला है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसका जवाब कातिलों का सुराग मिलने के बाद ही मिल पाएगा। 14 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरौला में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए थाना प्रभारी द्वारा प्रयास किया गया। जनपद देवरिया के रहने वाले श्री दुर्गेश मिश्रा के नाम के रूप में इनकी शिनाख्त हुई है। अभी तक की विवेचना से पता चला है, जिसमें हम लोगों ने धारा 302 IPC का एक FIR पंजीकृत की। सबसे हैरत की बात तो ये है कि दुर्गेश का परिवार प्रयागराज में थानों के चक्कर लगाता रहा, पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, ऐसा आरोप है। इधर जब आजमगढ़ में लाश मिली तो पता चला कि दुर्गेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही सपना लेकर देवरिया का 25 साल का दुर्गेश भी प्रयागराज आया था। हालांकि परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ अपने मामा की कार भी चलवाता था और वह देवरिया के कपूरी पार भी महीने में एक दो बार चला जाता था और वो उसी कार से जाता था। उसी कार से वो देवरिया के लिए निकला था, लेकिन इस बार वो घर नहीं पहुंचा और उसका शव आजमगढ़ में मिला और कार लूट ली गई, उसका सामान लूट लिया गया। पुलिस ने जब घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि नवरात्रि मनाने के लिए शुक्रवार को दुर्गेश अपने कपूरी पार गाँव कार से लौट रहा था। रास्ते में उससे बड़ी चूक हो गई। उसने बिना जाने समझे कुछ युवकों को लिफ्ट दे दी और यही गलती उसकी मौत की वजह बन गई। पुलिस को आशंका है कि लिफ्ट के बहाने कार में चढ़े बदमाशों ने ही दुर्गेश की हत्या की है। बदमाशों ने पहले तो दुर्गेश के पास मौजूद सामान लूट लिया, फिर उसकी हत्या कर सड़क के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद दुर्गेश की गाड़ी लेकर फरार हो गए। आजमगढ़ की अहिरोली थाना पुलिस को जब झाड़ियों में लाश पड़ी होने की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि कातिलों का कोई सुराग मिल सके। अभी तक की विवेचना से पता चला है कि जनपद प्रयागराज में गाड़ी चलाते थे, रात के समय इनके पास एक प्राइवेट गाड़ी थी। उसी दौरान कोई 3-4 लोग इनके पास में आए, जिनसे इनकी बातचीत हुई और ये वहाँ से बैठ के चले हैं। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई अभी की जा रही है। बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण करते हुए जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा।
इस घटना ने एक बार फिर हर उस शख्स के लिए सबक छोड़ा है जो हाईवे पर बिना जान पहचान के लोगों से लिफ्ट लेते या देते हैं। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि आखिर दुर्गेश के कातिल कौन है और वो कहां छिपे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो कातिलों तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात होगी शहीदों पर पुलिसिया एक्शन की। सीएम योगी की ओर से सख्त निर्देश का असर अब दिखने लगा है। बांदा में एक शहीदे ने जिस हाथ से छात्रा को छेड़ा था, आरोप है कि पुलिस ने वो हाथ ही तोड़ दिया। यानी बहन बेटियों की तरफ उठने वाला हाथ अब सलामत नहीं होगा, फिर चाहे वो मंचला हो, शहीदा हो या फिर कोई बदमाश। देखिए ये रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक मुख्यमंत्री का वचन है, वो वचन जो यूपी की बहन बेटियों से किया गया। उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा, उनकी हर मुसीबत से रक्षा के लिए, जिसका नतीजा ये तस्वीरें हैं। बांदा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ जिस हाथ से अधेड़ ने बच्ची को छेड़ा था, अगले दिन वो हाथ ही टूट गया। यानी बहन बेटियों पर बुरी नजर डाली तो यूपी पुलिस क्या अंजाम करेगी, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। घटना के बाद परिजनों ने थाने में छेड़छाड़ की शिकायत की और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुरसलीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि युवक को इतना पीटा गया कि जिस हाथ से आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, उस हाथ को और उस पैर को तोड़ दिया गया। अब जरा तस्वीरें देखिए। एक तरफ वो तस्वीर जिसमें ये शोहदा बाइक पर आता है, एक बच्ची को टारगेट करता है और उससे छेड़छाड़ करता है, जबकि दूसरी तस्वीर उसके अंजाम को दिखा रही है। हाथ टूट चुका है, वही हाथ जो एक बच्ची की आबरू पर उठा था। लेकिन हर जिले का हर पुलिस वाला इतना ही एक्टिव नहीं है। यकीन नहीं होता तो आगे की तस्वीरें देख लीजिए। बांदा पुलिस ने तो छेड़छाड़ के आरोपी का हाथ तोड़कर साबित कर दिया कि बेटियों की हिफाजत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन आगरा में बीते 3 दिनों में 2 ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसमें कई सवाल खड़े होते हैं। पहले एक बच्ची ने छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, तो अब रेप के बाद गरम चिमटे से दूसरी बच्ची को दागा गया। अब जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए और उस सच से रूबरू होइए जो अक्सर पुलिस आपसे छिपाती है। 2 तस्वीरें ताज नगरी आगरा की हैं। दोनों ही बेहद संगीन मामले हैं। पहले एक लड़की का नहाते वक्त वीडियो बनाया गया, फिर ब्लैकमेलिंग की गई, तंग आकर उस बेटी ने जान दे दी। अभी एक मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आगरा से ही दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें दबंगों ने पहले रेप किया, फिर गरम चिमटे से उसे दागा। इतना ही नहीं, उस बेबस बेटी को तेजाब से नहलाने की धमकी तक दी गई, जबकि तीसरी तस्वीर महोबा से है जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने गोली चला दी, 8 लोग घायल हो गए। हालांकि महोबा प्रशासन घटना के बाद एक्टिव हुआ, फौरन कार्रवाई शुरू हुई और पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक और अवैध तमंचे सहित आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। एक गोलीकांड हुआ था, इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को उचित इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनकी कंडीशन स्टेबल थी। इसके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जिन 2 लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, वह माननीय न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है।
ठीक इसी तरह आगरा की खबर भी बेहद ही शर्मनाक है। न्यू आगरा थाना इलाके में रहने वाली एक दसवीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। मोहब्बत की नगरी में दसवीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा का अपहरण किया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा ने विरोध किया तो गर्म चिमटे से उसकी चमड़ी दाग दी। हैवानों ने पहले तो छात्रा का अपहरण कर रेप किया, फिर घर में घुसकर उसके शरीर को गर्म चिमटे से दाग दिया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो दबंगों ने छात्रा पर तेजाब डालने की धमकी दे डाली। रेप किया और फोटो कर रहा है। ये हाथ कैसे चल गया बच्ची का, क्या काम है? किसी ने जला दिया, जबरदस्ती से ले लिया, जला दिया। रात को जिस तरह की घटना हुई है और इसमें थाना न्यू आगरा को FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विवेचनात्मक प्रक्रिया है उसको आगे जारी की जाएगी। यानी एक तरफ यूपी पुलिस शोहदो मनचलो और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, एनकाउंटर, अरेस्टिंग और एक्शन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थाने हैं जहां पुलिस की लापरवाही बहन बेटियों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर रही है। फतेहपुर पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए एक कातिल को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मरने वाला का अपना बेटा है। आखिर बेटे ने ही अपने पिता की जान क्यों ली? एक बेटा अपने पिता की जान का दुश्मन क्यों बन गया? आपको दिखाते हैं। एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री और घर में छिपा कातिल, 48 घंटे पुराना केस और पल पल बदलते एंगल। फतेहपुर पुलिस जब कातिल के करीब पहुंची तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बेटा ही बाप का कातिल निकलेगा। फतेहपुर में 15 सितंबर को रिटायर्ड वार्ड बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दो दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी बेटा पिता की हत्या के आरोप में चाचा के लड़के को फंसाना चाहता था। एक व्यक्ति हरिओम गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण हेतु एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, इंटेलिजेंस टीम को लगाया गया था। इन टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है और घटना का मास्टरमाइंड मृतक का पुत्र दीपू दिलू गुप्ता निकला, जिसने अपने साथी कल्लू और कपिल पाल से अपने पिता की हत्या करवा दी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र आबू नगर पुलिस चौकी के ककराहा मोहल्ले का है। यहां दो दिन पहले शाम को 7:15 बजे हरिओम गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरिओम जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था। करीब 3 साल पहले ही वो रिटायर हुए थे। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी का कातिल कौन है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन किया, लेकिन जिन नामजद आरोपियों पर पुलिस का शक गया, क्राइम सीन के आसपास भी वो आरोपी नजर नहीं आए। अब सवाल था क्या कातिल वो नहीं जिन पर शक किया जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने मृतक के लड़के दीप उर्फ दिलीप गुप्ता का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया और कॉल डिटेल निकाली गई। इस दौरान पुलिस को कई फैक्ट ऐसे मिले जिससे उसका रोल संदिग्ध लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी खंगाले, साफ हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मरने वाले का अपना बेटा है। और घटना में अभियुक्त आला कतलों को अपने साथी अनुज पासवान के घर में छिपा दिया गया था। घटना का प्रमुख कारण दिलू गुप्ता, जो अपने ताऊ की हत्या के मुकदमे में जेल से बाहर है, का अपने ताऊ के लड़कों को फंसाना उद्देश्य था। जो है इस प्रकार फतेहपुर पुलिस द्वारा इस सराहनीय कार्य किया गया। आरोपी ने अपने चचेरे भाई को फंसाने के लिए हत्या की साजिश रची, फिर दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल को अंजाम दिया, ऐसा पुलिस का दावा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।